हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग फाइन टुडे। देखिए, इससे पहले हमारा एक पार्ट हो चुका है सिलॉजिज्म में, पार्ट वन, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और वेन डायग्राम्स पढ़ा था। सिलॉजिज्म होता क्या है वो पढ़ा था, और वेन डायग्राम को यूज़ करके सिलॉग पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस एक दो मैंने आपको बताए थे वो कैसे करने हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम आ गए हैं, उसी के बेस पे, वेन डायग्राम के बेस पे हम कुछ और क्वेश्चंस फर्दर हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, ताकि आपको जो बेसिक जो इजी क्वेश्चन है वो तो एकदम क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम फॉरवर्ड कर सकें, हम आगे बढ़ सकें हमारे नेक्स्ट जो हार्ड क्वेश्चन, थोड़े से जो ट्रिक क्वेश्चन स्टार्ट होंगे सिलॉग के उन पे। तो एक बार के लिए हम स्टार्ट करते हैं और जो बेसिक जो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उनको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे थे, कॉन्सेप्ट को समझा था और वेन डायग्राम को समझा था कि किस तरीके से काम करता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। स्टेटमेंट जो है हमारा वो ये बोल रहा है कि ऑल बैग्स आर बुक्स, और इसी का ही सेकेंड पार्ट स्टेटमेंट का है कि सम पर्सेस आर बैग्स, ठीक है। और कंक्लूजन जो है उनको भी हम देखेंगे। पहले स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल बैग्स आर बुक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला, एस लिख लेता हूँ स्टेटमेंट, ठीक है। और ये सम पर्सेस आर बैग्स, आप पढ़िए एक बार समझिए, क्योंकि हमने एक दो क्वेश्चंस तो किए ही हैं पिछले वीडियो को, अगर आप पूरा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो। कंक्लूजन देखिए क्या बोल रहा है, सम बुक्स आर पर्सेस। देखिए, अभी तो मैं नोट कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो आगे से आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं नोट करना छोड़ दूंगा, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और मैं बिना क्वेश्चन को नोट किए मैं सीधा उसका सॉल्यूशन करने लग जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको बार बार नोट करने में, ठीक है। तो सम बुक्स आर बैग्स, देखिए पहले तो स्टेटमेंट जो आ रहा है उसके बेस पे हम एक वेन डायग्राम बना लेंगे। हमारा क्या बोल रहा है, ऑल बैग्स आर बुक्स, ठीक है। तो बैग्स को मैं यहाँ पे बी जी लिख लेता हूँ। देखो, बी लिखूंगा तो बुक्स के लिए भी वही बी रहेगा, तो बी 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 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एग्जाम में आपको एक साथ में कोई भी एक लेटर लिख लीजिएगा, ठीक है। बैग्स, ऑल बैग्स आर बुक्स, ठीक है। बुक्स के लिए देखो मैं लिख लेता हूँ बी के, लिख लेता हूँ बुक्स के लिए। और सम पर्सेज आर बैग्स, ठीक है। अब देखो, सम पर्सेज आर बैग्स बोला है हमें, तो बैग्स के साथ पर्स जो है वो शेयर कर रहा है, कुछ कॉमन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बना सकता हूँ, पर्सेज का पी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सम पर्सेज आर बैग्स हमारा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है पूरा, और ऑल बैग्स आर बुक्स ये भी पूरा फॉलो हो रहा है, ठीक है। केसेस देखिए, एक से ज़्यादा बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, एक से ज़्यादा केसेस बनते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा, हमें सारे केसेस एक बार में बना के नहीं रखने हैं। कंक्लूजन जो बोल रहा है उसके बेस पे केसेस बनाने हैं, ठीक है। वो देखते हैं, हम आगे करते जाएंगे और इस चीज़ को समझते जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। कंक्लूजन देखिए क्या है, सम बुक्स आर पर्सेज, सम बुक्स आर पर्सेज, क्या ये पूरा फॉलो होगा, देख लेते हैं। देखिए, सम बैग्स आर पर्स, ये तो हमने बना लिया, और ऑल बैग्स आर बुक्स ये बना लिया, मतलब कि ये एक केस तो ऐसा बनेगा ही बनेगा, ये तो 100% ये वाली चीज़ इस क्वेश्चन में हो गई है। तो सम बुक्स आर पर्सेज, देखिए बुक्स वाला जो पार्ट वो पर्स में घुसेगा ही घुसेगा यहाँ से, ये देख लीजिए। तो ये बुक्स वाला पर्स में घुस रहा है, यही हमारा बोल रहा है कंक्लूजन वन, कि सम बुक्स आर पर्सेज। तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही है, बहुत सही बात बोली इसने, तो इसको तो मैं टिक लगा देता हूँ, सही है। और सम बुक्स आर बैग्स, ये हमारा सेकंड कंक्लूजन है, ठीक है। सम बुक्स आर बैग्स, देखिए ये चीज़ होती है, ऑल बैग्स आर बुक्स आया है अगर स्टेटमेंट, तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि सम बुक्स आर बैग्स, क्योंकि सारे बैग्स अगर बुक्स हैं, इसका मतलब कुछ बुक्स हैं वो बैग्स हैं ही हैं, ये होगा ही होगा। और कौन सा वाला, ये पार्ट, ये वाला ही है, सम बुक्स आर बैग्स, ये वाला, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी मेरा कंक्लूजन है वो एकदम सही है, ठीक है। आपको समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखिए, ऑल बैग्स आर बुक्स का मतलब यही है कि सम बुक्स आर बैग्स, यानी कि सारे बैग्स अगर बुक्स हैं स्टेटमेंट में, तो कुछ बुक्स जो हैं वो बैग्स होंगी ही होंगी, और वही ये वाला एरिया होगा। सेम ऐसा ही हमने फर्स्ट कंक्लूजन में भी कर लिया था। यहाँ से देखिए, ये जगह, ये एरिया आया था मेरा, यहाँ से ये हमारा कंक्लूजन वन वाला एरिया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब से देखो मैं क्वेश्चन बार बार नोट नहीं करूंगा, अब सीधा सॉल्यूशन पे करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे बिना मतलब में वीडियोस, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। अब देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सेकंड क्वेश्चन आप उसको पढ़िए और एक बार समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सम कार्स आर ट्रक्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इसका क्या है कि ऑल पैंस आर कार्स, ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अब देखो ये नोट नहीं करने वाला हूँ, स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए, और मेरे पास पेपर है, मैं यहाँ देख लेता हूँ, ठीक है। तो सम कार्स आर ट्रक्स का जो है वेन डायग्राम में वो बनाता हूँ अब सीधा। तो सम कार्स, ये मेरा कार्स हो गया, ठीक है, सम कार्स आर ट्रक्स, ये हो गया ट्रक्स, और ऑल पैंस आर कार्स। देखिए ऑल पैन, सारे पैन हैं वो कार हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये देखिए ऑल पैंस, ये पैंस बना सकता हूँ मैं यहाँ पे छोटा सा सर्किल, तो सारे के सारे जो छोटे सर्किल हैं वो एक बड़ा सर्किल है, कौन सा, कार का। तो ऑल पैंस आर कार्स, यहाँ से मेरा जो है ये बन चुका है मेरा स्टेटमेंट का जो वेन डायग्राम है वो। अब कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है कि नो पैन इज ट्रक, नो पैन इज ट्रक, क्या ये बात सही है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को सीखिए थोड़ा सा, हमें करना क्या होता है, कंक्लूजन जो भी हमें बोल रहा है ना, हमें उसका एक अगेंस्ट में जाना है, उसके विपरीत जाके एक ऐसा पॉइंट निकाल के लाना है जहाँ से वो कंक्लूजन गलत हो जाए, अगर हम निकाल सकते हैं तो ही, ज़रूरी नहीं है कि निकल ही जाए हर बार, हमें एक ऐसा भी ऐसा केस निकाल के ले आना है जहाँ से वो कंक्लूजन गलत हो जाए। अगर वो गलत हो गया तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, अगर नहीं निकाल पाते हम तो एक अलग बात है, ठीक है। अब देखिए हमें कंक्लूजन में इसने बोला है कि नो पैन, कोई भी पैन ट्रक नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि कोई भी पैन ट्रक नहीं है, लेकिन मैं ये केस ज़रूरी थोड़ी है, मैं एक केस यहाँ पे ऐसा भी तो बना सकता हूँ। देखिए ये इसी का ही सेकेंड केस है, वही मेरी कार हैं, वही मेरी ट्रक हैं, लेकिन जो मेरे पैन हैं वो ये हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ऑल पैन आर कार, ये अभी भी फॉलो हो रहा है, लेकिन बस अब हुआ क्या, पैन जो है वो थोड़ा सा ट्रक में घुस गया है और ये पार्ट शेयर करने लग गया। तो ये केस पे अगर मैं जाऊँ तो मेरा कंक्लूजन वन है, वो फॉलो नहीं होगा, वो गलत हो गया। तो मैंने क्या कहा आपको, हमें वही केस एक ढूंढना है जहाँ हम कंक्लूजन को गलत ठहरा सकते हैं, अगर हमने वो ढूंढ लिया तो ठीक है, अगर नहीं ढूंढ पाते हैं कि होता ही नहीं है तो कंक्लूजन मेरा ऑटोमेटिकली सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने ये केस ढूंढ लिया है कि नो पैन इज ट्रक, अगर मैं इस केस के हिसाब से जाता तो सही बात थी, लेकिन मैं क्यों जाऊं, मुझे तो एक गलत चीज़ निकालनी है ना कंक्लूजन के लिए, एक एक केस ऐसा ढूंढना है बस। तो नो पैन इज ट्रक इस केस में गलत हो चुका है, ठीक है। और सम ट्रक्स आर कार्स, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सम कार्स आर ट्रक्स तो था ही, तो सम ट्रक्स आर कार्स ये ऑटोमेटिकली हो गई, चाहे आप इस केस में ले लो चाहे आप इस केस में ले लो। देखो तो यहाँ से इसका मतलब मेरा क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो कंक्लूजन वन है वो तो गलत हो गया, ठीक है, और कंक्लूजन जो टू है वो मेरा सही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सेकंड है, यानी कि ऑप्शन वन था, देखिए इस टाइप से ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ऑप्शन वन हमें तब टिक करना होता है इफ़ कंक्लूजन वन इज ट्रू, ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ही जाना, मैं बस आइडिया बता रहा हूँ। ऑप्शन वन तब इफ़ कंक्लूजन वन इज ट्रू, ऑप्शन टू इफ़ कंक्लूजन टू इज ट्रू, ऑप्शन थ्री यहाँ पे ये है कि इफ़ बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू, मतलब कि फर्स्ट कंक्लूजन सेकंड कंक्लूजन दोनों ट्रू हैं, और ऑप्शन फोर अगर कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन फोर। हमारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, हर जगह नहीं, हर जगह आप पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या बताया गया है कि आपको कौन सा ऑप्शन कब टिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन टू को टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा कंक्लूजन टू सही हुआ है और कंक्लूजन वन गलत हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन टू आएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप, बहुत ही इजी तरीके से, और जितना इजी हो सकता था वो उस तरीके से मैंने समझाया है आपको, ठीक है। तो देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कंक्लूजन हमें कुछ भी बोले, हमें बस एक केस ऐसा निकाल के आना है जो उस कंक्लूजन के अगेंस्ट में, विपरीत में चला जाए कैसे भी करके, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, तो फिर हमारा सीधा ही वहीं वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है कि सम कैट्स आर डॉग्स, और सेकंड है इसका नो डॉग इज माउस, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं अब सीधा, सम कैट्स आर डॉग्स, ये तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, सम कैट्स आर डॉग्स, और दूसरा है नो डॉग इज माउस। अब देखिए माउस मैं यहाँ भी रख सकता हूँ,
अब माउस को मैं यहाँ इसके अंदर भी घुसा सकता था, वो मेरी मर्जी है, एक बार के लिए मैंने केस बनाया है, फिर जो कंक्लूजन आएंगे उनको देख के मैं फिर अपना जो केस है उसको मैं थोड़ा सा कर लूँगा, चेंज कर लूँगा, ठीक है, अपडेट कर लूँगा। तो देखिए कंक्लूजन क्या है कि नो माउस इज़ कैट, नो माउस इज़ कैट बोल रहा है। अगर मैं इस केस के अकॉर्डिंग जाऊँ तो उसकी बात सही है, लेकिन मैं क्यों जाऊँ? मैंने आपको क्या बोला था, कंक्लूजन जो बोल रहा है मैं उसके अगेंस्ट जाके एक केस ऐसा निकाल के आऊँगा जो उस कंक्लूजन को गलत ठहरा दे, बस, ठीक है। तो मैं एक केस यहाँ से ऐसा निकाल के आ सकता हूँ, ये मेरा वही बन गया, मेरा जो, देखो स्टेटमेंट को वापस चले जाओ एक बार, कि नो डॉग इज माउस बोला था ना, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे बना देता हूँ माउस, देखा आपने? तो नो डॉग इज माउस अभी भी फॉलो हो रहा है, बस कैट के साथ शेयर करने लग गया है मेरा माउस। तो इससे होगा क्या, नो माउस इज, जो नो माउस इज कैट जो कंक्लूजन वन था वो मेरा यहाँ से गलत हो गया, सम माउस आर कैट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ क्या, जो मेरा फर्स्ट जो था कंक्लूजन वो मेरा गलत हो गया है, ठीक है। सेकंड, नो डॉग इज कैट, देखिए नो डॉग इज कैट गलत है यहाँ पे, क्योंकि सम डॉग्स आर कैट ये है, सम कैट्स आर डॉग्स, तो सम डॉग्स आर कैट, सीधी सी बात है, एक दूसरे में ये वाइस वर्सा है, ठीक है। तो नो डॉग इज कैट भी हमारा गलत है। अब यहाँ से हुआ क्या, देखो ऑप्शन वन भी गलत, ऑप्शन टू भी गलत, इसका मतलब मुझे टिक क्या करना है यहाँ पे, ऑप्शन फोर को टिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम इस केसेस को बना रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए नोट आप पॉज करके भी वीडियो को आप ले सकते हैं, लाइव वीडियो तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उसको पढ़िए एक बार, समझिए कि कैसे ये चीज़ हमारी हो रही है, ठीक है। ऑल ऑरेंजेस आर बनानाज, ये हमारा स्टेटमेंट वन है, और सेकंड है ऑल बनानाज आर पटेटोज, ठीक है। और कंक्लूजन जो इसके दिए हुए हैं उनको हम देख लेंगे, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं स्टेटमेंट का, ठीक है। सॉरी, ऑल ऑरेंजेस, देखो ऑरेंजेस को मैं ओ लिख लेता हूँ, आर बनानास, ये बी लिख लेता हूँ बनानास को, ऑल बनानास आर पटेटोज, ये मेरा हो गया है पी, ठीक है, ऑल बनानास आर पटेटोज। अब देखो हमें कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि सम पटेटोज आर बनानास, सम पटेटोज आर बनानास, बिल्कुल सही बात है, ऑल बनानास आर पटेटोज, मैंने बोला था इसका मतलब अपने आप ये निकल के आ जाता है कि सम पटेटोज आर बनानास, सारे बनानास पटेटोज हैं, इसका मतलब यही आ जाता है कि कुछ पटेटोज जो हैं वो बनानास हैं। वो कुछ कौन से हैं, देखिए ये वाले हैं, ये वाले, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से ये चीज़ तो मेरी कंफर्म हो गई कि फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो तो एकदम सही है, उसको मैं गलत नहीं ठहरा सकता। सेकंड कंक्लूजन है कि सम पटेटोज आर ऑरेंजेस, सम पटेटोज आर ऑरेंजेस, देखिए ये भी एकदम सही है। यहाँ से देखो ये वाला जो ऑरेंजेस वाला, देखो जो सर्किल है वो मेरा इसके अंदर है, किसके अंदर है, बनाना के भी अंदर है और पटेटो के भी अंदर है, तो सीधी सी बात यही है कि सम पटेटोज आर ऑरेंजेस, कौन से वाले हैं, ये वाले, यही वो पटेटोज हैं जो ऑरेंजेस भी हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ से मेरा जो सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी सही है, और दोनों के दोनों कंक्लूजन सही हैं, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन थ्री आएगा, बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, ठीक है। मिटा देता हूँ मैं नोट, तो इसमें आप क्या करोगे बट आप समझ लो, सीख लो, क्योंकि देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम चार चार पाँच पाँच स्टेटमेंट करेंगे और चार चार पाँच पाँच कंक्लूजन करेंगे, तो बहुत अच्छा एडवांस लेवल जाने वाला है, उसके लिए ही मैं आपको ये प्रिपेयर कर रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चंस से होके। देखिए आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है क्वेश्चन, ऑल चॉक्स आर डस्टर्स, और दूसरा स्टेटमेंट है इसका सम चॉक्स आर बोर्ड्स, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, नोट तो क्या, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं कि ऑल चॉक्स, चॉक्स को देखो मैं सी लिख दिया है मैंने, आर डस्टर्स, डस्टर्स को मैंने डी लिख लिया है, और सम चॉक्स आर बोर्ड्स, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ मैं बना देता हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा सम चॉक्स आर बोर्ड्स कैसे है,
ये कॉमन एरिया है चॉक्स और बोर्ड्स का, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बन गया है। कंक्लूजन देख लेते हैं। सम डस्टर्स आर बोर्ड्स, क्या ये बात सही है? क्या इसको मैं गलत निकाल सकता हूँ, गलत ठहरा सकता हूँ क्या कैसे भी करके? देखिए ये चीज़ गलत नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जो चॉक और बोर्ड हैं वो तो शेयर करेंगे ही करेंगे ये एरिया, क्योंकि इसने बोल दिया है कि सम चॉक्स आर बोर्ड्स, देखो स्टेटमेंट सेकेंड, तो ये एरिया तो शेयर करेंगे ही करेंगे। और एक चीज़ और बोल दी है कि ऑल चॉक्स आर डस्टर्स, तो ये बड़ा सर्किल भी बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से ये देखो, ये एरिया जो है ये मेरा ऑटोमेटिकली आ गया है किसका, बोर्ड और डस्टर के बीच का जो कॉमन एरिया है वो भी निकल के आ गया है। तो ये 100% ये केस आएगा ही आएगा, इसको अपन गलत नहीं ठहरा सकते। तो सम डस्टर्स आर बोर्ड्स, ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो मेरा सही हो गया है, ठीक है। हमें, मैंने आपको क्या बोला था, हमें वो केस देखना है जिसमें हम कंक्लूजन को गलत ठहरा सकें, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ निकल रही है क्या इस क्वेश्चन में, इस कंक्लूजन में, फर्स्ट पार्ट में नहीं निकल पा रही है, ठीक है, तो हमें सही करना ही पड़ेगा उसको। सेकेंड कंक्लूजन देखिए, सम डस्टर्स आर चॉक्स, बिल्कुल सही है, ऑल चॉक्स आर डस्टर्स, इसका मतलब सम डस्टर्स आर चॉक्स, सीधी सी बात है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये एरिया जो है, ये सर्किल, यही है सम डस्टर्स आर चॉक्स वाला एरिया। तो ये भी मेरा सही है, इसका मतलब दोनों के दोनों कंक्लूजन सही हैं, तो मतलब मेरा ऑप्शन जो है वो 3 यहाँ पे आएगा आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। आपको समझ में आ रही होगी अब क्या बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन से होते हुए चल रहे हैं हम। बेसिक क्वेश्चंस क्या है कि क्लियर हो जाएंगे तो एडवांस जो क्वेश्चंस हम करेंगे, अब तीन स्टेटमेंट से होते हुए हम पांच स्टेटमेंट कंक्लूजन पे जाएंगे, इधर और वाले केसेस भी करेंगे और नॉट ओनली वाले भी हम केसेस करेंगे, या फिर एटलीस्ट वाले केसेस भी हम करेंगे जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है कि सम जीन्स आर शर्ट्स, ये तो हो गया स्टेटमेंट 1, और ऑल जीन्स आर शूज, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट 2। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। सम जीन्स आर शर्ट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, और ऑल जीन्स आर शूज। ऑल जीन्स, देखिए शर्ट्स को मैं SHT लिख लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा शूज और शर्ट्स में, ठीक है। और ऑल जीन्स आर शूज, ये SHO लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ऑल जीन्स आर शूज भी हो गया है हमारा यहाँ से, और सम जीन्स आर शर्ट्स भी हो गया है हमारा। स्टेटमेंट के बेस पे हमने वेन डायग्राम बना लिया है। अब कंक्लूजन को देखते हैं कि नो शर्ट इज शूज, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी शर्ट हमारी शूज नहीं हो? ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद देखिए इस चीज को। देखो यहां से हमें क्या बोला था, सम जीन्स आर शर्ट्स, ये तो केस बनेगा ही बनेगा, मतलब कि ये एरिया तो बनना पक्का था सम जीन्स आर शर्ट्स वाला। उसके बाद ऑल जीन्स आर शूज, मतलब कि जीन्स अंदर ही रह जाएगा शूज के, बड़ा सर्किल एक आएगा जीन्स के बाहर जो कि बाय डिफॉल्ट जो कि घुसेगा ही घुसेगा शर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से सम शर्ट्स आर शूज तो एक केस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंक्लूजन 1 हमें जो बोल रहा है कि नो शर्ट आर शूज, क्या एक ऐसा केस बन सकता है? नहीं, ऐसा एक भी केस नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये मेरा जो कंक्लूजन है वो गलत है, ठीक है, कि नो शर्ट इज शूज नहीं हो सकता है, सम शर्ट्स आर शूज या सम शूज आर शर्ट्स रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा वो कौन सा एरिया होगा, वो होगा देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया है जो कि होगा शूज़ और शर्ट्स के बीच का, और वो हमेशा बनेगा कोई भी केस आप ले लो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कंक्लूजन 2 हमें क्या बोल रहा है, ऑल शर्ट आर शूज़, ठीक है, ऑल शर्ट आर शूज़, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑल शर्ट आर शूज़ हमारा बन जाए? देखिए इस चीज़ को, ऑल शर्ट आर शूज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए एक मान लो मैं केस यहाँ पे बना दूँ, ये हो गया है मेरा जीन्स, ठीक है, और ये मेरी हो गई है शर्ट,
ठीक है, और ऑल जीन्स आर शूज थे, तो ये मेरा एक हो गया है शूज, शूज ठीक है। तो देखिए ऑल शर्ट आर शूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए सम जीन्स आर शर्ट और मेरी सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं और यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहा है ऑल शर्ट आर शूज, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, हमें वो केस ढूंढना है जो हमारे कंक्लूजन के अगेंस्ट जाए, विपरीत जाए, और वो केस हमें मिल रहा है यहाँ पे। सीधी सी बात है, मैं इस केस को क्यों देखूँ, मैं तो वो केस देखूंगा ना जो कंक्लूजन को गलत ठहराए कैसे भी करके, वही केस मुझे यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ से मेरा क्या है, ये भी मैं इसको गलत ठहरा सकता हूँ तो मैं ठहरा दूंगा, सीधी सी बात है। जैसे मैंने नो शर्ट इज शूज़ को बोला था, नो शर्ट इज शूज़ तो केस बन ही नहीं सकता था, तो इसीलिए मैंने इसको गलत कर दिया था। सेकेंड केस में बन तो सकता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा केस भी है जो इसको गलत ठहरा सकता है, तो मैं बोल दूंगा कि नो शर्ट ऑल शर्ट्स आर शूज़ गलत है, ठीक है। तो मेरे दोनों के दोनों गलत हो गए यहाँ से, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन जो फोर है वो आ जाएगा, मतलब कि नन ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू, मतलब कि दोनों के दोनों ऑप्शन, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स, नन ऑफ द कंक्लूजन्स आर ट्रू, मतलब दोनों कंक्लूजन गलत हैं, इसका मतलब ऑप्शन फोर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम कंक्लूजन्स को, कंक्लूजन के अगेंस्ट एक ऐसा केस ढूंढ रहे हैं जो कंक्लूजन को गलत ठहरा रहा है, बस वो केस ढूंढ के हमें कंक्लूजन को गलत करना है कैसे भी। बहुत इजीली अगर वो गलत हो जाता ठीक है, नहीं हो पा रहा है गलत तो हमें सही करना ही पड़ेगा, समझ गए आप। हमें वो केस नहीं देख रहे हैं जो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें वो देखने हैं जो कंक्लूजन के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको पढ़िए, उसको समझिए कि क्या कहना चाह रहा है और क्या केस बन सकता है। आप खुद ट्राई कीजिए, अब तो आपको क्वेश्चंस होने लग गए होंगे, सॉल्व होने लग गए होंगे, समझ में आने लग गए होंगे। देखो ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट सेकंड है सम कंप्यूटर्स आर टेबल्स, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं वेन डायग्राम से। ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ये केस बन गया, और सम कंप्यूटर्स आर टेबल्स, ठीक है, ये एक बन गया केस। देखो थोड़ा सा मॉडिफाई भी बन सकता है, ये टेबल्स को मैं लैपटॉप्स के अंदर भी घुसा सकता हूँ, लेकिन वो मैं कंक्लूजन देख के फिर एडजस्टमेंट्स मॉडिफिकेशंस फिर करूँगा, ठीक है। तो अपन पहले कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, देखो सम टेबल्स आर लैपटॉप्स, वही चीज़ आ गई, देखो जो मैं आपको बोल रहा था, सम टेबल्स आर लैपटॉप्स, इसने हमें बोला है हाँ मैं बना सकता हूँ ऐसा। देखो ये हो गया लैपटॉप्स, ये हो गया मेरे कंप्यूटर्स, और ये हो गया मेरे टेबल्स। सम टेबल्स आर लैपटॉप बिल्कुल सही है, आ गया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मुझे वो केस नहीं देखना है जो कंक्लूजन को फेवर कर रहा हो, मुझे वो देखना है जो कंक्लूजन के अगेंस्ट, विपरीत जा रहा हो और उसको गलत ठहरा रहा हो। तो मेरे पास वो केस है यहाँ पे, जो कि जो मेरा कंक्लूजन बोल रहा है सम टेबल्स आर लैपटॉप्स, उसको गलत ठहरा रहा है मेरा ये वाला केस। तो मैंने ढूंढ लिया है अगर वैसा केस, तो इसका मतलब मेरा कंक्लूजन हो गया है गलत, ठीक है। और सेकेंड कंक्लूजन है, वो बोल रहा है सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, ठीक है, सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, तो सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स ये तो आएगा ही आएगा, चाहे ये केस ले लो चाहे ये केस ले लो। मैंने आपको बोली थी ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स का मतलब बाय डिफॉल्ट यही होता है कि सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, कौन से, ये वाले वो कंप्यूटर हैं जो कि लैपटॉप होंगे, चाहे आप ये केस ले लो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये केस तो मेरा होगा सही, और देखिए कंक्लूजन सेकेंड सही है, कंक्लूजन फर्स्ट गलत है, इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका मतलब है मेरा ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे वो सही है, ठीक है। देखिए दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन वाले ही क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और उसको हर तरीके से घुमाने का ट्राई किया है ताकि आपके दिमाग में एक बार घुस जाए और आपको क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल इसका पकड़ेंगे, तीन स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट वाला पकड़ेंगे, बैंकिंग के भी क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आपको इन वीडियोस को तो आप प्रॉपर देखिए, और कोई थर्ड वीडियो पे जाना चाह रहा है सीधा तो उसको पहले इन वीडियोस से ज़रूर एक बार
कवर करवाते हुए चलिए। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अदर्स एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देखिए जो नेक्स्ट वीडियोज आपके आएंगे, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो जो भी आएगा, तो आपका कोर्स पूरा कंप्लीट प्रॉपरली तरीके से हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।